जरा ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर 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 ऊपर। खिचड़ी दबी पई हो, पता नहीं की शे होंगी खिचड़ी। आप कहीं खादी भी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक हो गया मेरे नए व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो आप ये बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अगर तो रख रहे हैं रोज़े, ठीक ही जा रहे हों, क्योंकि आजकल मौसम तो इतना गर्म होता नहीं है। मैं पहले ना थोड़ा सा आपको आज की एक्टिविटी अपनी बता दूँ। सुबह सहरी करके सोया हूँ, उसके बाद तकरीबन उठा हूँ 9:30-10 बजे। कंप्यूटर पर अपना थोड़ा बहुत काम शाम किया है, उसके बाद जोहर की नमाज़ पढ़ी है। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर आराम किया है, उसके बाद गेम खेला हूँ। गेम खेले हैं, थोड़ा आज लेट हो गई थी गेम, ये भी बता दूँगा। गेम आज जीत गए हैं हम लोग। अच्छा, गेम खेले हैं तो गेम खेलने के बाद रोज़ा भी वहीं खोला है जहाँ पे गेम खेले, क्योंकि गेम लेट हो गई थी। तो अभी मैं लेट घर पहुँचा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तीन बंदों का कमेंट आया था कि नो नो सैरी चैलेंज करो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चैलेंज है किस टाइप का, इसमें क्या करना है। मतलब शायद उनका मतलब ये है, एक तो शर्जील अहमद ख़ान पतोकी लव यू हो गया यार। आपको राइमंड मैंने कहा था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और मुझे उम्मीद है कि शर्जील खान जो है ना, ये बंदा वही है। मेरा दोस्त भी था, दोस्त है भी सही। कभी इंशाल्लाह लाइव इसको लेंगे अपने व्लॉग में। मोहम्मद उसामा और मोहम्मद जुलकरनैन, इन तीन बंदों का कमेंट था कि नो सहरी चैलेंज करो। मैं इससे ये समझाऊं कि बग़ैर सहरी के रोज़ा गुजारना है, तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। नो सहरी चैलेंज का जो पार्ट वन है वो मैं आज अभी करने लगा हूँ। तो अभी टाइम हुआ है तकरीबन, मतलब मगरिब से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया, अब ईशा की नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी। तो कम अज़ कम सोने से पहले, ईशा की तरावी के बाद सोने से पहले तक तो मैं खा सकता हूँ ना। ये तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि सोने से पहले तक मैं खा पी सकता हूँ। लिहाजा पार्ट वन नो सहरी चैलेंज का यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। हाय बेगम, थैंक यू। मैं आखा ही मैं अफतारी घर आने के करे, लेकिन गेम थी गई बहुत ज़्यादा लेट। मैं अफतारी उतें ही की थी ग्राउंड के बीच, मैं मैच भी जीत गया। मुबारक दे मेरे को, आप शुक्रिया। मुबारक दे, मुबारक दे, मुबारक दे, मुबारक तो दे। यो जी टाइम बेगम कमली थी बैठी है, लिहाजा आप गुजारा भी कभी तो मैं एक चीज रख के रखा होना चाहिए। गिनना जल्दी गिनना, आज मैं बहुत माल खाना है, क्योंकि मैं नो सहरी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका हूं। क्या? मैं सहरी को नहीं करनी कल, बस चलो यार, बस क्या करूं, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका हूं। की शे वे ना नस ए रोल ए कबाब है ते ए चिप्स वाले पकोड़े वाले। गुड, थैंक यू। पानी लस्सी मां लेसा गिनना गुड यार, लस्सी तो होसी बन गिनना लस्सी यार। अच्छा कशे तो पीने वाली होसी, तरे लगी खड़ी है। अच्छा पानी है बस, आगे बने मैं रिएक्शन निकालता हूं। ये बीच मकोड़ा बता क्या आई? नहीं नहीं कशे नहीं, तो से खाओ तो सही। ठीक है व्यूअर्स, तू सही देखो, मैं नो सहरी चैलेंज तो चूंकि एक्सेप्ट कर चुका हूं, लिहाजा हूं मैं माल फूल दबे सा, सहरी तो मैं करनी को नहीं ना। अच्छा खाओ तो सही पहले। सही गुड यार, तैं खुद बने बात तो सही कोनी। मैं सही है, बहुत मजेदार है बेगम। रोजाना किसी ना किसी मेरे वास्ते बना दी, लेकिन मैं सहरी करना बाहर, तो आज मेरे वास्ते रखी खड़ी है तारीख। अच्छा पानी की ना, मैं उतरे बहुत लगी बैठी है। ये सिर्फ एक गिलास दूध का मैंने बनाया है अपने लिए। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम हो गया है जी 10:16, तकरीबन 9:45 बजे तक मैंने नमाज़ तरावी वगैरह पढ़ ली थी। तो उसके बाद बेगम ने थोड़ा सा मेरा मूड कर दिया ऑफ। मतलब बेगम बाज़ दफ़ा ना ऐसे गुस्से में होती है, मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। लिहाजा जो नो सहरी चैलेंज वाली जो पार्ट वन वीडियो है, वो मैं बहुत ही मुख्तसर सी बना रहा हूँ। बस मैंने अपने लिए ये एक गिलास दूध का बनाया, अभी आपने टाइम देख लिया है, 10:15 का टाइम हुआ है। मैं ये पी के अभी सो जाऊँगा, उसके बाद सुबह नमाज़ पढ़ूँगा और नो खाना पीना। लिहाजा पार्ट टू में देखिएगा कि मेरा पूरा दिन बग़ैर सहरी के किस तरह गुजरता है।
कल वाले व्लॉग में देखना कि मेरा पूरा दिन किस तरह से गुजरता है। बाकी अभी मैं इस पार्ट वन को यहाँ पे ख़त्म करने लगा हूँ। इंशाल्लाह पार्ट टू में आपको मज़ा आने वाला है। पार्ट टू लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि मज़ेदार व्लॉग बने आपके लिए। अभी पार्ट वन इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टाटा।